राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ख़ास रेसिपी, ख़ास इसलिए कि ये अक्सर साउथ में बनाई जाती है और वो रेसिपी है इडली सांभर की। आज हम आपके साथ बनाएंगे इडली सांभर को, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी इडली सांभर। दोस्तों आज हम इडली बना रहे हैं, तो इडली बनाने के लिए हमने ये लिए है चावल, 2 गिलास चावल लिए हुए हैं। इसको हमने रात में भगो कर रख दिया था, लगभग 6 घंटे से ये भीगे हुए रखे हुए हैं। और अब इसके अलावा हमने ये ली है उड़द दाल धुली हुई, और इसको भी हमने चावल के साथ भिगो कर रख दिया था। अब इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे और खमीर होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। चावल और उड़द की दाल हमने आपको बताई थी, जो हमने भिगो कर रखी हुई थी, उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है मिक्सर से। इस बैटर को हमने तैयार कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा देखना पड़ेगी, क्योंकि जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा गाढ़ी लग रही है। इसमें कुछ पानी मिला के इसको सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं, इस पानी को मिला लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी है इस बैटर की। तो अब हम इसको खमीर होने के लिए रखते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको कहीं धूप में भी रख सकते हैं ढककर, जहां भी आप उसको ठीक समझते हैं उसमें इसको ढककर रख दीजिए 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि हमारे इस बैटर में खमीर आ जाए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सांभर बनाने की। तो इसके लिए हमने ये अरहर की दाल ली है और इसके साथ हमने कुछ दाल मिक्स कर ली है। तो इसको हम सबसे पहले अपने इस कुकर में डालते हैं। अब इसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, इसमें लौकी है, कद्दू है, बैंगन है, इस तरह से जो भी उपलब्ध है घर में वेजिटेबल्स हमने उसको ले लिया है। आप जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप चाहें तो उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से वेजिटेबल्स इसमें डाल लिए हैं। और हमने कुछ गर्म मसाले यूज़ किए हैं, लाल मिर्च है, थोड़ा सा दालचीनी, अदरक, दालचीनी और जीरा वगैरह है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट। ये अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया और ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और एक बार हम इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग 1/2 चम्मच। और इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं कुछ इस तरह से ऑनियन को हमने काटा है, इसको भी डाल दिया इसमें। और अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। इसके साथ में हमने यूज़ किए हींग, इतनी हींग हम इसमें डाल देते हैं। और इसको फिर से एक बार हम अच्छी तरह से चला देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं पानी, तो हमने इसमें इस गिलास के हिसाब से 3 गिलास पानी दाल में डाला हुआ है। और इसके बाद हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, दाल भी हमारी ऑलमोस्ट मिक्स दाल है। अब इसको हम कवर करते हैं कुकर को, ऑलमोस्ट 4 सीटी तक इसका वेट करते हैं, दाल हमारी पक जाए। हमारी दाल तैयार होती है, तब तक हम अपने इडली की तैयारी कर लेते हैं। इडली का इस तरह से हमने सांचा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाला है, आप देख सकते हैं इस तरह से। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है, इस तरह हमारा सांभर तैयार हो रहा है। यहाँ पर हमने इडली की तैयारी शुरू कर दी है, बटर का यूज़ किया है, बटर इस तरह से लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने जब सुबह इसको रखा था 5-6 घंटे के लिए, अब इसको हम एक बार चला लेते हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरह से चला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई। तो अब इसमें हमने इडली के सांचे में हमने यहाँ पे बटर लगा ली, इस तरह से हमारे 3 सांचे, 3 इसके हिसाब से सांचे होते हैं, तो हम तीनों को हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है बटर के साथ में। अब हम सबसे छोटा वाला जो इसमें सबसे नीचे आएगा, पहले हम उसमें इडली के पेस्ट को उसमें रख देते हैं 1 चम्मच हम इसमें इस तरह से। आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत अच्छी तरह से खोल रहा है, भाप भी आ रही है। तो हम इसको अब सबसे छोटी वाली को
सबसे नीचे रख देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गर्म पानी है, अच्छी तरह से सावधानी के साथ रखें। इसके बाद ये हमारा दूसरा पैन है और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा वाला पैन है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। 12 इडली थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएंगे। गरी और मूँगफली इस तरह से कुछ भिगो कर रखे हुए थे, ये हमने इस जार में ले लिए हैं। इसके साथ में हमने थोड़े से जीरे, थोड़ी सी राई और नमक को भी ऐड किया है इस तरह से। और अब इसको हम मिक्सी में रख के इसकी चटनी तैयार करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने अपनी चटनी एकदम रेडी कर ली है और ग्राइंड करके इसको हम रख देते हैं अपने कटोरी में। चलिए अब देखते हैं इडली को, इडली की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं इडली बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। हम एक बार इसको इस तरह से चेक करेंगे कि इडली कहीं कच्ची तो नहीं, तो हम इस तरह से फोर्क या किसी भी चीज़ से इसको अंदर तक पुश करके देखें। ये हमारी इडली एकदम तैयार है और इसको निकाल लेंगे। अब दोस्तों अब इस चटनी को भी हम तड़के से फ्राई करते हैं और एक बार हम तड़का बनाएंगे अपनी दाल के लिए। तो हम सबसे पहले चटनी के लिए तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन गैस पर रखा हुआ है और इसमें डाल दें थोड़ा सा घी, डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़े से कड़ी पत्ते और ये रेडी हो गया। इसको हम अपने चटनी में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये इडली सांभर की चटनी विथ तड़का रेडी हो गई है। चार सीटी के बाद हमने गैस बंद कर दी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सांभर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप इसकी दाल को भी देख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। और अब हम इस सांभर के लिए तड़के की तैयारी करते हैं। तो हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी, ये हमने इसमें डाले जीरे, डालेंगे इसमें राई, डालते हैं इसमें प्याज, कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च और 2 खड़ी लाल मिर्च और हम इसको थोड़ा सा फ्राई हो जाने देते हैं सारी चीज़ों को। ये प्याज गुलाबी हो जाए, थोड़ा सा सांभर को स्पाइसी अगर हम रखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और प्याज हमारी गुलाबी हो गई है, ऑलमोस्ट हमारा तड़का तैयार हो गया है और अब इसको हम अपनी दाल में डाल देते हैं। और इसके बाद अब लास्ट में हम ऐड करते हैं सांभर मसाला लगभग 1 चम्मच और मिक्स कर देते हैं। सांभर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं इडली हमारी बिल्कुल तैयार है, आपने वो भी देख ली है। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, आपने वो भी देख ली है। बस अब तैयारी करते हैं प्लेट्स की। तो दोस्तों ये प्लेट तैयार करते हैं इडली सांभर और चटनी के साथ में। आपने देखा कि एक तरफ हमने प्याज और नींबू रख दिया है, आम का अचार भी रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा अचार के साथ भी। और अब हम निकालते हैं सबसे पहले चटनी। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी चटनी बनी है, हमने तड़का भी लगाया था इसको। जब आप इसको खाएंगे इसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारी चटनी हो गई है, अब हम निकालते हैं सांभर। और अब ये सांभर इस थाली में निकालते हैं। ये सांभर निकल गया और अब बारी है इडली की। इडली भी बहुत सॉफ्ट होनी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पंजी है, एकदम स्पंज की तरह दब रहे हैं आप इसको। और ये हमने इडली, और आप देख सकते हैं ये पूरी प्लेट इडली सांभर चटनी मिर्च अचार, इसके साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे वाकई में ये रेसिपी भी बहुत खास है। तो दोस्तों देखा आपने इडली सांभर कितनी आसानी से चटनी के साथ बन गया। आप जब इसको खाएंगे तो आप एक बार ज़रूर कहेंगे कि ये रेसिपी भी ज़रा सी हट के थी। आपको हमारे चैनल कैसे लगते हैं, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।